दोस्तों आपके सामने जो डिश दिखाई दे रही है, ये देखो, देख रहे हो आप, इसकी जो एलएनबी है, ये जो एलएनबी है सामने वाली, ये वाली, ये हल्की टेढ़ी है, ये फ्री वाली डिश में रहती है, जो फ्री वाला सेटअप बॉक्स होता है ना उसमें रहती है टेढ़ी। और इसमें टेढ़ी रहने के बाद जब हम इसको लगाएंगे तो ये जो पैच है, ये डेढ़ इंची के पैच है, डेढ़ इंची की गिट्टियाँ हैं और डेढ़ इंची के ही बार्सल है, मतलब छोटी वाली गिट्टी होती है वो लगाते हैं। तो इसमें जो है बार्सल लगाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसको लगाने के बाद ये पूरा टाइट नहीं करना, जब उसको लगा देंगे तब ये फुल टाइट करने हैं, तब ये फुल टाइट करने हैं, फुल टाइट, ये भी फुल टाइट, ये भी फुल टाइट। उसके बाद तब यहाँ से ये देख रहे हो आप, ये हल्के हल्के टाइट कर लो वैसे, और जब इसके सिग्नल जहाँ मिलेंगे तो पहले पूरी लाइन ये टाइट कर दो, पूरी लाइन ये टाइट कर दो यहाँ से, ये देख रहे हो आप। और उसके बाद फिर ये वाला ये टाइट करो, उसके बाद फिर ये टाइट करो, ठीक है। ये देखो, ठीक से देखो आप, यहाँ से साइड से ये वाला टाइट करो, ये वाले करके फिर सबसे लास्ट में ये ऊपर वाला, ये जो होता है ये टाइट करना है, और डिश आपकी रेडी। और एक खास बात और बता दूँ मैं आपको, इसके अंदर ये जो लगाना है आपको, ठीक से लगाने के बाद ये इसको ना एक गांठ पहले शुरू में केबिल की शुरू में एक गांठ लगा लेनी है। इससे क्या है ना, केबिल जब आपका खींचेगा, ये देख रहे हो आप, ये खींचेगा नहीं, और खींचने के बाद इसको यहाँ पर अलपेटा लगा के इसको यहाँ लगा दो, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, अच्छे से यहाँ पर करना है। और इसको कनेक्टर को लगाते कैसे अगली वीडियो में डालूंगा मैं, तब आप इसको देखोगे, ठीक है ना, ओके।